जैसे मैंने पहले भी कहा था कि फारूक सत्तार साहब को बिल्कुल हमने बुलाया था, कुछ सवाल ऐसे थे जिनकी हम वजाहत चाह रहे थे उनसे, वो वजाहत हमें मिल गई थी फिल वक्त इस वक्त हमारे पास उनके मजीद सवाल होंगे। लेकिन ये मैं आपको कहूंगा कि ये ऑन गोइंग तफ्तीश है, अब कल को कुछ और नई चीज निकल आए तो वो तो जाए। देखिए जो मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि वेरियस जो माजी की सबका एमक्यूएम अल्ताफ ग्रुप जिसको हम कहते हैं, जिसकी जैसे आपने कहा कि उनके लीडरान वेरियस पार्टी में बैठ चुके हैं, उनके वेरियस लोगों से हमने सवाल जवाब किए। ये जो हमने यहाँ हाईलाइट किए ना चीज़ें, वो हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, हम एमक्यूएम लंदन की यहाँ की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या उनकी जो क्राइम इन ऑर्डर होगी उसकी हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं बिलखसूसी तौर पर जो उनका रॉ के साथ इंडियन इंटेलिजेंस के साथ उनका जो नेक्सस है, और उस नेक्सस में जो बंदे जिनका हमने नाम लिया, अनीस एडवोकेट हो गया या वासे जलील हो गया या जैसे मैंने महमूद सिद्दीकी का जिक्र किया, ये हम उन बंदों पर फोकस कर रहे हैं कि जिनका ये नेक्सस था। जैसे आपने एक सवाल इसका पूछा कि आया कि इनकी कोई दहशतगर्दी की वारदातें पहले तो ऐसी नहीं है, फिलहाल अभी तक दहशतगर्दी की डायरेक्ट वारदातें नहीं आई, कुछ दो तीन जो पहले हमने बंदे पकड़े उनकी आई हैं हैदराबाद के हवाले से, लेकिन जो अभी कल रात पकड़े गए उनकी डायरेक्ट नहीं आई। लेकिन उनको जो अभी तक हमें समझ में आ रही है बात, वो ये है कि उनको जो टास्किंग थी ना, वो एक इंटेलिजेंस गैदरिंग की टास्किंग कि पाकिस्तान में वेरियस स्ट्रेटिजिक और इस किस्म की चीज़ों के हवाले से खबर देना, और एक बाकायदा जिसको कहते हैं इंटेलिजेंस नेटवर्क, और ख़ासतौर क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, क्रॉस बॉर्डर असला लाना, इस तरह की चीज़ों का एक नेटवर्क बरकरार रखना मीरपुर खास और उमरकोट में। तो पहले भी ये चीज़ देखी गई है कि जो एलर्जी पसंद तहरीक थी उनका एमक्यूएम के साथ गठजोड़ रहा है, तो इनका भी कोई इसी तरह का मामले जैसे आप बता रहे हैं इंटेलिजेंस नेटवर्क। अभी तक तो जैसे मैंने कहा कि ये जो कल रात बंदे गिरफ्तार हुए हैं उनको तो बिल्कुल ही इब्तदाई तफ्तीश है, बिल्कुल ये भी एक सवाल उठेगा और जिस पर हम फोकस करेंगे कि आया कि किसी और कौम परस्त तंजीमों के साथ या एंटी स्टेट एनार्किस्ट तंजीमों के साथ इनके कोई रवाबित हैं या नहीं है, ये ज़ाहिर बात है तो आगे तफ्तीश में बातें। छः मुजरमान थे, छः रोटी टीम थी, पाँच गिरफ्तार हो गए, एक रहता है उसकी डिटेल बता दें। छः मुलजमान तो अभी तक हमने हाईलाइट किए हैं, जो हम समझते हैं कि जो इनकी अगेन जो इनिशियल इंटरोगेशन वगैरह हैं इन, तो जो लोग इंडिया गए थे जिन्होंने इंडिया में ट्रेनिंग हासिल की वो छः से कहीं ज़्यादा थे, वो हमारे फिगर के मुताबिक कोई कम अज़ कम एक खेप में 13-15 थे। वो अभी तक उसको थोड़ा सा मॉडिफाई वो कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं कि आया कि और कौन से लड़के, जैसे मैंने कहा कि पहले जो हमने फर्स्ट राउंड गिरफ्तारियों की उसमें इन मुलजमान के नाम सामने आए, फिर इनको कल रात गिरफ्तार किया है, हो सकता है कि इनसे भी आगे बात चले।